गुड मॉर्निंग, आपका सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जहां आया हूं उसका पहले ही मैं वीडियो डाल चुका था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इधर मैं कहीं डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। जो पिछला वीडियो है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, तो मैं इसलिए आज मैं आया हूँ उसी खेत में जहाँ पर पिछले बार हमने टमाटर के और खरबूजे के फसल को देखा था। उस टाइम काफ़ी छोटे थे, अभी वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से और प्रोसेस होता है इसका और क्या क्या उसके लिए अभी काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कितनी हरियाली आ गई है अभी, और पहले जब ये वीडियो बनाए थे तब ये बहुत छोटे पौधे थे, अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो ये जो ग्रीन वायर आप देख रहे हैं उनको डंडों पे लगाया जाता है और दो डंडों के बीच में इसको अच्छे तरीके से बांधा जाता है। इसका बांधने का रीज़न ये होता है कि ताकि ये दोनों डंडे आपस में अच्छे से बंध जाएँ और किसी भी परिस्थिति में ना खुलें। और इसको गांठ बांधने का भी बहुत ही अलग तरीका है, जैसा कि आप देख रहे हैं जो भाई करके दिखा रहे हैं, काफ़ी यूनिक तरीका है। इस तरीके से गांठ बांधने से जो डंडे होते हैं उनके बीच मजबूती और रस्सी लूज़ नहीं होता है और किसी भी मौसम और परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं। ये ग्रीन वायर काफ़ी मजबूत होते हैं और करीब 100 रुपये किलो में ये मिल जाते हैं। इन दोनों ग्रीन वायर या ग्रीन रस्सी के बीच में धागे को कुछ इस तरीके से क्रॉस करके लपेटा जाता है ताकि जब टमाटर के पौधे बड़े हों तो इसका सपोर्ट लेकर अपने वजन को इस पर डाल सकें। अगर इन वायरों और धागों को इस तरीके से नहीं बांधा जाएगा तो टमाटर के जो पौधे हैं वो अपने फल के वजन के कारण गिर कर मर जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, टमाटर एक फल है ना कि सब्जी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग सब्जियों और फसलों की खेती यहाँ पर की गई है और जो काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। सकते हैं कुछ इस तरीके से हट बनाकर किसान भाई अपने छांव की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में बहुत धूप होता है। ये जब हट बन जाता है तो काफ़ी आराम होता है। चलिए मैं इसका अंदर का आपको व्यू दिखाता हूँ। तो बड़ी नॉर्मल तरीके से बनाया गया है, लकड़ी और ये चादर से, ये सीट है एक्चुअली में। दोस्तों, इस तरीके का पहले ही देखने को मिलता था, अब तो बहुत मुश्किल है। ये गर्मी के समय में इसमें पानी डाल सकते हैं तो इससे क्या है, ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं करता है। तो ये इस तरीके से दिमाग लगाया गया है। दोस्तों, कुछ सैंपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये पौधे इन धागों और रस्सियों का सपोर्ट लेते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि जब ये टमाटर में फल लग जाएंगे तब उस टाइम हम एक और वीडियो बनाएं और उसमें आपको बताएं कि कितनी पैदावार है। तो कोशिश करेंगे कि ये हो सके, अगर हो सकेगा तो बिल्कुल इस पर वीडियो बनाएंगे। तो
तो देखा दोस्तों किस तरीके से ग्रीन वायर से इसको बांधा जा रहा है डंडों को, ताकि ये सपोर्ट रहे इनका, और उसी ग्रीन वायर में फिर धागे को लपेटा जा रहा है, ताकि जो पौधे जब बड़े होंगे तो इसी के सपोर्ट पर रहेंगे और उनके जो फल हो लगते हैं तो वो उसके कारण ये झुक कर गिर ना जाएं। तो इस तरीके से सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, और देख सकते हैं आपने कितना मेहनत कर रहे हैं किसान भाई, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।